हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है टेकन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं और इस चैनल को सपोर्ट करें। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक आदमी, उसका नाम ब्रायन रहता है। वो अपने बेटी के जन्मदिन के लिए एक शॉप पर गिफ्ट खरीद रहा होता है। वहां से खरीदने के बाद उसे वो गिफ्ट पैक करते हुए दिखाया जाता है और फिर उसे अपनी बेटी के बर्थडे पार्टी में जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ उसे कुछ गार्ड्स रोकते हैं उसकी बेटी से मिलने के लिए। तभी उसकी बीबी लॉरेन, जो कि दोनों में डाइवोर्स हो चुका होता है, वो वहाँ आ जाती है और फिर अपनी बेटी को बुलाती है, जिसका नाम किम रहता है। वो आती है और ब्रायन को देखकर खुश होती है और उसके बाद वो उसे ब्रायन किम को गिफ्ट देता है और वो उसे खोल कर देखती है। तभी किम को उसका जो स्टेप डैड रहता है वो उसके लिए दूसरा गिफ्ट लाता है, तो वो वहाँ चली जाती है। ये ब्रायन देखकर थोड़ा दुखी होता है और उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद ब्रायन को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सब ब्रायन के ही बैचमेट रहते हैं, जो कि सब एक्स मिलिट्री रहते हैं। उसके बाद जब पार्टी कर ब्रायन के दोस्त घर जा रहे होते हैं, तभी उनमें से एक ब्रायन को काम के लिए कहता है। वो लोग एक पार्ट टाइम सिक्योरिटी जॉब करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ब्रायन को अपने दोस्तों के साथ एक फेमस सिंगर की सिक्योरिटी का काम कर रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है, तभी ब्रायन को उसकी बेटी का कॉल आता है, वो उसे मिलने के लिए कहती है। उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ जाकर पत्ते खेलने लगता है। उसके बाद कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद जब ब्रायन उस सिंगर को लेकर जा रहा होता है, तभी उस पे एक हमला होता है, पर वो उसे बचाकर ले जाता है। तभी वो सिंगर उसे अपने पास बुलाती है और अपना नंबर देती है और कहती है अपने बेटी को भेजो, जो कि उसकी बेटी एक सिंगर बनना चाहती थी, तो वो उसकी मदद करेगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ब्रायन को अपनी बेटी का वेट करते दिखाया जाता है। तभी किम और उसकी मॉम लेनोर आती है और उसके बाद ब्रायन को पता चलता है कि किम पेरिस जा रही होती है और उसे अपने डैड की सिग्नेचर की जरूरत रहती है कि तभी वो जा सकती है, पर ब्रायन मना करता है क्योंकि वो अभी 18 प्लस की नहीं हुई है। तभी वो किम वहां से उठकर चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है ब्रायन अपनी एक्स वाइफ के पास जाता है और डोरबेल बजाता है। तभी उसकी बेटी किम वो डोर खोलती है और फिर ब्रायन उसे कुछ कंडीशन के साथ जाने के लिए मान जाता है और उस पेपर पर साइन कर दे देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और ब्रायन को अपनी बेटी को कार से एयरपोर्ट छोड़ते हुए दिखाया जाता है, पर एयरपोर्ट पर ब्रायन को लेनोर से पता चलता है कि किम सिर्फ पेरिस नहीं और भी यूरोप टूर करने जा रही है। ब्रायन इस बात को लेकर थोड़ा गुस्सा भी होता है। उसके बाद उसकी किम को जाते हुए दिखाया जाता है अपनी एक फ्रेंड के साथ और इधर ब्रायन और लेनोर उसे बाय कर रहे होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, तभी दिखाया जाता है किम और उसकी दोस्त पेरिस पहुंचते हैं और वहां बाहर में उन्हें एक लड़का मिलता है, जो कि शेयर टैक्सी करने के लिए कहता है कि यहाँ की टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो हम शेयर टैक्सी कर सकते हैं। बार ने वो लड़का वो दोनों जहाँ रहने वाली रहती है वो घर देख लेता है। उसके बाद किम और उसकी फ्रेंड उस घर में जाती है और तभी किम को उसके डैड का कॉल आता है। किम बाथरूम में जाकर जब बात करने लगती है, वैसे ही एक विंडो से देखती है कि उसकी फ्रेंड को कुछ लोग जबरदस्ती उठाकर लेकर जा रहे होते हैं। वहीं किम अपने डैड को ये सब बता रही होती है। तभी ब्रायन अपनी बेटी यानी किम से कहता है, तुम्हें भी किडनैप होना होगा, पर उससे पहले जो तुम देखो वो चीज जल्दी से बताना, फोन वही फ्लोर पर छोड़कर। और तभी वो लोग आते हैं और किम यानी ब्रायन की बेटी को किडनैप कर वहां से ले जाते हैं। उस बीच किम जो जो देखती है वो बताती है और दूसरी तरफ ब्रायन सब सुन रहा होता है फोन पे और उस बात को रिकॉर्ड भी कर रहा होता है। उसके बाद वो अपनी बीवी के यानी एक्स वाइफ के घर जाता है और अपनी बेटी के कमरे में कुछ सर्च करता है और उन लोग से
भी कुछ डिटेल लेना चाहता है कि उन लोग का कोई दुश्मन था या नहीं था। और तभी उन लोग को भी पता चलता है कि किम किडनैप हो चुकी होती है। तभी उसकी एक्स वाइफ लेनोर कहती है कि मेरी बेटी को कैसे भी करके वापस ला। उसके बाद ब्रायन अपनी एक्स वाइफ के हस्बैंड से कहता है मेरे लिए एक प्राइवेट जेट बुक करो पेरिस के लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और पेरिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्रायन उसी प्लेस पे जाता है जहाँ उसकी बेटी किडनैप हुई थी। वो उस जगह पे जाके उसके फ्लैट में इंटर करता है किसी दूसरे के फ्लैट के विंडो से लटक कर। और जब वो वहाँ उस फ्लैट में पहुँचता है तो देखता है कि सारा सामान बिखरा पड़ा है। और फिर वो रिकॉर्डेड साउंड को प्ले करके अपने आप को अपनी बेटी के जगह पे इमेजिन करता है। तभी उससे अपनी बेटी का फोन टूटा हुआ दिखता है। वो उसमें से मेमोरी कार्ड निकाल कर वहाँ से चला जाता है। और फिर दिखाया जाता है वो एक पब्लिक प्लेस पे किसी मशीन के अंदर वो मेमोरी कार्ड डाल कर देखता है जहाँ उसे अपनी बेटी की फोटोज के बैकग्राउंड में एक लटका दिखता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और उस लटके को दिखाया जाता है जहाँ वो फिर से किसी लड़की को टैक्सी में बैठा रहा होता है। वैसे ही वहाँ ब्रायन पहुँच जाता है और उस लड़के को टैक्सी में बैठा कर अपनी बेटी के बारे में पूछता है। वैसे ही उसका एक साथी आकर ब्रायन से फाइट करने लगता है। तभी ब्रायन उसे मार कर देखता है जब तक वो लड़का वहाँ से भागते रहता है। और वो उसका पीछा करता है पर उस लड़के का भागते हुए एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ब्रायन एक आदमी से मिलता है जो उसका पास्ट में फ्रेंड रह चुका होता है जब वो आर्मी में था। और उन दोनों को बात करते हुए दिखाया जाता है। ब्रायन उससे हेल्प मांगता है पर वो मना कर देता है ये कह के कि वो अब गवर्नमेंट के लिए डेस्क जॉब करता है जो कि वो अब मजबूर है। और उसे अपना कार्ड भी देता है और फिर ब्रायन वहाँ से चल जाता है ये कहकर कि उसे पता है आगे क्या करना है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और ब्रायन को एक कार रेंट पे लेके जाते हुए दिखाया जाता है। और फिर एक जगह पहुँचता है जहाँ उसका इंतजार एक ट्रांसलेटर कर रहा होता है। वो उसे कुछ पैसे देकर वहाँ बैठने को कहता है और वहाँ खड़े कुछ प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है और उनमें से एक को तंग करता है। उसी बीच उनका एक आदमी आके ब्रायन को वहाँ से भगाता है। तभी ब्रायन चालाकी से उसके एड्रेस में एक माइक्रोफोन डाल के अपने गाड़ी में बैठ जाता है और उससे ट्रांसलेटर की मदद से उनकी बात सुनता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर कंस्ट्रक्शन साइट के सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग लाइन में लग किसी कैबिनेट में जा रहे होते हैं। ब्रायन भी लग जाता है उसी लाइन में और फिर अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ अंदर में लड़कियों को ड्रग्स का नशा करा के उनसे प्रोस्टिट्यूशन का काम कराया जा रहा होता है। और फिर वो उसमें अपनी बेटी को खोजता है पर उसे एक पर्दे के पीछे उसकी बेटी का जैकेट दिखता है। वैसे ही वो उस लड़की को देखता है तो वो उसकी बेटी नहीं रहती है। फिर वैसे ही वहाँ से कुछ गुंडे आ जाते हैं तभी फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्रायन कुछ लोगों को मार वहाँ से उस लड़की को लेकर निकल जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और ब्रायन को उस लड़की के साथ एक होटल में दिखाया जाता है जहां उसे होश आता है और वो बताती है कि वो जैकेट किम ने उसे दिया था। तब ब्रायन जगह के बारे में पूछता है पर उसे नहीं पता रहता है। वो बस एक रेड डोर के बारे में बताती है और नियर प्लेस रेड डोर के बारे में। तभी सीन शिफ्ट होता है और ब्रायन को उस रेड डोर को ढूंढते हुए दिखाया जाता है जहाँ उसे वो मिल जाता है। और वो उस डोर के अंदर जाता है और देखता है कि दो लोग बैठे हुए हैं। तभी ब्रायन अपने दोस्त की दी हुई कार्ड का यूज कर अंदर चला जाता है और पहले उनसे पैसा डिमांड करने का नाटक करता है। और फिर ब्रायन की बेटी के बताए मुताबिक एक आदमी मैच खाता है। तब ब्रायन कंफर्म करने के लिए उसे गुड लक कहलवाता है जैसा उसने फोन पे कहा होता है जब उसकी बेटी के किडनैप के समय। और फिर वैसे ही वो उन सबको मारकर उसके बाद वहाँ के हर एक रूम में जाके देखता है जहाँ किम की फ्रेंड मिलती है पर वो मरी हुई रहती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है ब्रायन उस आदमी को टॉर्चर कर रहा होता है और अपनी बेटी के बारे में पूछ रहा होता है पर वो कुछ नहीं बताता। उसके बाद काफी देर टॉर्चर करने के बाद वो आदमी एक आदमी का नाम बताता है सेंट क्लेयर और ये भी बताता है कि वो वर्जिन को नहीं रखते उसे बेच देते हैं। उसके बाद ब्रायन पूछता है कि ये एक जगह है या एक पर्सन है तो वो आदमी कहता है
ये एक पर्सन। उसके बाद वैसे ही स्विच ऑन कर कर वहाँ से चलता बनता है, उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है ब्रायन के दोस्त के घर का सीन, जहाँ वो जा रहा होता है और उसे पता चलता है कि ब्रायन वहाँ आया हुआ रहता है। उसके बाद वो सब मिलकर डिनर करते हैं और वैसे ही ब्रायन उसकी बीवी को एक गोली मारकर उससे उस आदमी के बारे में पूछता है, तब वो उस आदमी के बारे में बताता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है उस आदमी को एक पार्टी में, जहाँ पे ब्रायन भी आता है। उसके बाद वो एक आदमी का पीछा कर लिफ्ट के सहारे वो एक अंडरग्राउंड फ्लोर पे पहुंचता है और एक वेटर की एक्टिंग कर एक रूम में एंट्री ले लेता है वहां के गार्ड को मारकर। और जब वो अंदर रूम में जाता है तब देखता है कि अंदर बैठे कुछ लोग अलग अलग कैबिन में लड़कियों पे बोली लगा रहे होते हैं। और थोड़ी देर बाद जब ब्रायन को उसकी बेटी किम नजर आती है तो वैसे ही वो गन निकाल कर उस रूम में बैठे एक आदमी को कहता है इस लड़की को खरीदो, और वो बोली लगाकर उसे खरीद लेता है। और जब वो बाहर जा रहा होता है वैसे ही कोई ब्रायन पे अटैक करता है पीछे से। उसके बाद दिखाया जाता है जब ब्रायन को होश आता है और उसके सामने वही आदमी रहता है जिसका पीछा कर ब्रायन यहाँ तक पहुँचा होता है। और जब वो लोग उसे मारने जा रहे होते हैं तभी ब्रायन अपने आप को जैसे तैसे कर के फ्री हो जाता है और उन सब को मार कर वहाँ से बाहर आता है तो देखता है उसकी बेटी किम को वो लोग एक गाड़ी में बैठा रहे होते हैं। वो दौड़ते हुए पीछा करता है तो देखता है वो लोग उसकी को एक यॉट पे लेके जा रहे होते हैं। उसके बाद ब्रायन एक गाड़ी में बैठ उस यॉट का पीछा करता है रोड से और एक ब्रिज से जाकर डायरेक्ट यॉट पे कूद जाता है और वहाँ खड़े गार्ड को मार कर अंदर जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कुछ गार्ड कुछ लड़कियों को लेके जा रहे होते हैं, तभी उनकी नजर ब्रायन पे पड़ती है और वो मारने के लिए आते हैं। पर ब्रायन डोर के पीछे छुपा हुआ होता है और जब वो आते हैं वैसे ही उन्हें मार कर गन लेके आगे बढ़ता है और सबको मारते हुए अंदर जाता है। और फिर एक कमरे में पहुंचता है जहां उसे देखने को मिलता है एक बूढ़ा उसकी बेटी को पकड़े रहता है। वो थोड़ी देर देखने के बाद डायरेक्ट उसके माथे पे गोली मारता है और अपनी बेटी को हग करता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां किम की मॉम और स्टेप डैड वेट कर रहे होते हैं और ब्रायन को किम के साथ आते हुए दिखाया जाता है और मूवी का एंड हो जाता है।